आई रिमेंबर आई थिंक 20 साल पहले भी एक दौर म्यूजिक वीडियोस का था और उनमें जितनी भी एक्ट्रेसेस हिट हुई थी मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा बट सब ने अपना एक तरह से करियर बना लिया. आई एम श्योर यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट, एवरीबडी नोज हु वी आर टॉकिंग अबाउट. तो आई थिंक जो पहला सबसे फेमस म्यूजिक वीडियो रहा था दैट वॉज कलियों का चमन और उसके बाद पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज हो गया था. एंड इफ इस तरह का दौर वापस आता है बट फॉर दैट द म्यूजिक हैज़ टू बी ब्रिलियंट, द म्यूजिक वीडियोज़ हैव टू बी ब्रिलियंट एंड whatever you make has to be outstanding. So I feel if this is what the new change is, I would definitely welcome the change. Along with that, there's some another change. Har koi apne phone se start karta hai. Everyone has different. Well, I think social media ka ye jo daur chal raha hai, usme I think I've heard ki TikTok videos ke star ban chuke hain. Usme kisi ki death bhi ho gayi thi, koi mar bhi gaya tha. So that shows the power of social media. If used correctly, you can become a star. But mind you, मेरा ये मानना है कि जब तक कोई जब तक लोग लाइन में लग के आपके लिए टिकट नहीं खरीदते हैं, प्लीज़ रिमेंबर तब तक आप स्टार नहीं हैं. आई वुड नॉट इवन से एक्टर्स फ्रॉम टेलीविजन आर बिग स्टार्स. फैक्ट यही है, जब तक लोग लाइन में खड़े होकर टिकट नहीं खरीदेंगे आप इस गलतफहमी में मत जिए कि आप एक स्टार हैं. फॉर सम टाइम सोशल मीडिया आपको स्टार बना देगा बट नॉट अदरवाइज. ये गाना काफ़ी मतलब रोमांटिक और स्टार्टिंग में क्या होता है कि सैड स्टोरी सैड दिखाया गया है. मूवमेंट एक बंदा होता है जो बहुत ही सैड होता है, उसके बाद उसकी लाइफ में एक बंदी जो सेकंड कैरेक्टर दिखाया गया है वो बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है जिसके आने से उसकी लाइफ में एकदम खुशियाँ हो जाती हैं, वो बंदा अपनी जीने लगता है, बहुत ही प्यारा है. मतलब उसके बाद जो स्टोरी है उसके बाद उसकी जो बंदे का कैरेक्टर है वो एकदम खुश हो जाता है जो सेकेंड गर्ल के आने से. बहुत ही मूड है गाने में, गाने का मूड एकदम रोमांटिक है, बहुत ही प्यारा. गाने का स्टार्टिंग में तो मतलब बंदा बहुत सैड रहता है, उसके बाद जो लास्ट में उसकी लाइफ होती है एकदम रोमांटिक और खुशियों से एकदम वो एकदम खुश हो जाता है अपनी लाइफ में. ये एल्बम से बनाने से आपको सोशल मीडिया में आते हैं, उसके बाद आपको खुद हार्डवर्क करना पड़ता है. अगर आपको आगे भी करना है काम करने के लिए आपको सपोर्ट करना पड़े, हार्डवर्क करना है अगर आपको आगे जाना है, अगर आपको आगे भी बॉलीवुड में अच्छे कास्ट के लिए करना है. रीज़न आप ऐसे एक सॉन्ग से नहीं, आपको और हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. पहले क्या क्या प्रोजेक्ट कर चुके हैं आप? नहीं, ये दिस इज़ माय बिगनिंग, मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ इसी सॉन्ग से. क्या उम्मीद है इस गाने से आप? ये गाना बहुत ही प्यारा है तो सबका प्यार ज़रूर मिलेगा, लोग खूब सारा प्यार देंगे इस गाने. मैं हूँ यासर देसाई और मैंने ये गाना गाया हुआ है दरमियाँ. वेरी रोमांटिक मूड, इट्स नॉट योर टिपिकल सॉन्ग. सबसे पहला तो बड़ी बात गाने की ये है कि फॉर अ यूट्यूब रिलीज़ ये गाना बहुत कन्वेंशनल यूट्यूब गाना नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से कंपोस्ट किया हुआ गाना है और लिखा भी बहुत अच्छा गया. 90 का दशक वापस नहीं आया है, जस्ट टू क्लैरिफाई, बिकॉज जिस तरीके का म्यूज़िक बन रहा है वो 90s वाला नहीं है. मे बी लोग अपने अपने, बिकॉज यूट्यूब इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम, बहुत अच्छा और आसान मीडियम है, इसीलिए लोग अपने अपने वीडियोज़ बना के पोस्ट करते हैं. बट 90s का दशक वापस नहीं आया है और ना आएगा मेरे को लगता है. निगाह तुझ पे खामोश कर लबों से तुझे पीने लगा, निगाह तुझ पर खामोश कर लबों से तुझे पीने लगा. इस म्यूजिक वीडियो की कास्टिंग मैंने की है. किस तरह की कास्ट की आपने और बात करें एल्बम के बारे में? पहले मेरे पास स्टोरी आई थी कि भाई इस तरीके की कास्ट है, अभी ये हमारा हीरो है तो उन्होंने मुझे दिखाया कि भाई ये हमारा लड़का है, इस टाइप की मतलब कुछ कास्टिंग चाहिए. और उसके बाद फिर काफ़ी चीज़ें हुई, कुछ लोगों हमने बुलाया, उसके बाद बहुत सारी लड़कियां मतलब जो हमने पहले देखा, उसके बाद फिर इनके हिसाब से इनको कास्ट किया. और हमारी दूसरी लीड कहाँ गई, अरिश्फा, तो उसको कास्ट किया. गौतम, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और उन्होंने जो कि को आर्टिस्ट जो हैं, हालांकि वो भी बहुत प्यारे कैरेक्टर हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्ले किया जो उनके अकॉर्डिंग कास्टिंग उन्होंने की. हालांकि उसे पब्लिक को भी काफ़ी पसंद आया सॉन्ग भी, हालांकि अरिश्फा और हर्षिता दोनों कैरेक्टर बहुत ही प्यारे हैं और लोगों को भी बहुत पसंद आ रहा है. गौतम ने ऑब्वियसली जिसका जो कैरेक्टर था उसके अकॉर्डिंग पर्सनालिटीज को चूज़ किया एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे कास्ट किया. सर एक्चुअली मैं आई डोंट बिलीव इन कास्टिंग का जनॉल, मेरे हिसाब से काम काम होता है, ठीक है ना. और
काम काम होता है. सो कास्टिंग एक एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत इजीली हो जाता है, बहुत मेहनत लगती है, उसके बाद कास्टिंग होती है. सॉरी, रनिंग प्रोजेक्ट मेरी अभी एक वेब सीरीज लॉन्च होने वाली है, एंजल्स अपार्टमेंट, जो अभी कास्टिंग की है मैंने. एक फिल्म आ रही है, उसका अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, सारे सेलिब्रिटी लोग ही हैं उसमें. सो अभी रनिंग प्रोजेक्ट यही है. एक म्यूजिक वीडियो भी चल रहा है जिसकी कास्टिंग भी चल रही है, तो वो सारी टी सीरीज के साथ. वंडरफुल. आई थिंक म्यूजिक वीडियो देखने के बाद इट वॉज शॉट वेरी वेल. आई थिंक द कैमरामैन हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब. जो लोकेशंस रहे हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है इट हैज़ बीन शॉट इन गोवा, मुझे मालूम नहीं है, बट द लोकेशंस हैव बीन वेरी गुड. द म्यूज़िक इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. एंड बीच में अभी जिन्होंने लिरिक्स लिखे थे उनसे भी मेरी बात हुई थी. सो एंड आई लाइक दी एंड लाइन उसमें है कि कीप ब्रेकिंग योर हार्ट टिल इट ओपन्स. तो आई थिंक जितने लड़के हैं उनके लिए ये लाइन बिल्कुल एप्ट है. और अपना दिल तोड़ते रहिएगा जब तक वो पूरी तरह से खुल नहीं जाता है. सो कंग्रेचुलेशंस टू द होल टीम. बेस्ट ऑफ लक एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू डू वेरी वेल.